आज आप लोगों का जो टॉपिक है सम इंटर कन्वर्जेंस पढ़ने हैं, कुछ इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले जो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट में वो है म्यूटारोटेशन क्या होता है, देखते हैं। अगर हम बात करें ग्लूकोज की ओपन चेन की, तो जो इसका अल्फा डी होता है 52.5 होता है, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन की जो वैल्यू होती है ग्लूकोज के लिए वो इतनी होती है। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, निगेटिव पॉजिटिव, एच पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के साथ और एच प्लस इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर OH एक बार इस साइड है तो उसे कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और इस OH को कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन ऐसे रिंग के अनुसार जुड़ा होगा। ये ओपन चेन हो गया, ये रिंग वाले हो गए। अब अगर ग्लूकोज की बात करें तो क्या हो रहा है, इसमें इंटर कन्वर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। अगर अल्फा डी ग्लूकोज को क्या करें, डिजॉल्व करें, तो क्या होगा, इसकी जो अल्फा डी वैल्यू होगी वो 52.5 पे आके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और अगर यहाँ पे क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज में इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे, जो ग्लूकोज से क्या हो रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बन रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। जो स्पेसिफिक रोटेशन हो रहा है उसमें जो डिफरेंस हो रहा है उसी को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। अब ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ये ग्लूकोज के क्या हैं, साम्य अवस्था पे हैं। द एनोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल जो एनोमर्स बने हैं वो क्या होंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज रखेंगे। एग्जांपल के लिए अल्फा डी ग्लूकोज हैव अल्फा डी डी बराबर 112 डिग्री एंड बीटा डी ग्लूकोज हैव बी अल्फा डी बराबर 19.5 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन। जैसा कि आपको पता है अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर इक्विलिब्रियम विथ ओपन चेन फॉर्म, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ म्यूटारोटेशन। जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज हो क्या हैं, ओपन चेन के साम्य अवस्था पे हैं, और ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, म्यूटारोटेशन प्रदर्शित कर रहे हैं। इट मे बी डिफाइंड एज, अगर हम इसको परिभाषित करें, एक डिफिनीशन निकालें, तो क्या हो सकती है, देखिए, व्हेन अल्फा एनोमर्स डिजॉल्व इन वाटर, अगर अल्फा एनोमर्स को क्या करें, जल में घोल दें, इट्स अल्फा डी वैल्यू डिक्रीज अप टू 52.5 डिग्री, तो जो इसकी अल्फा डी वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी लगभग 52.5 डिग्री तक। एंड व्हेन बीटा एनोमर्स डिजॉल्व इन वाटर इट्स अल्फा डी इंक्रीज अप टू 52.5, जबकि बीटा एनोमर्स को जब डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो जो इसकी अल्फा डी वैल्यू होगी वह बढ़ जाएगी कहाँ तक, 52.5 डिग्री तक। दिस चेंज ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। जो इसके स्पेसिफिक रोटेशन के वैल्यू में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसी को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। फिर हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन डिस्कवर्ड बाई डोब्रून फार्ट 1864 में इसकी मैकेनिज्म को डिस्कवर किया था। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ये अल्फा फॉर्म है, यहाँ OH अगर किधर है, राइट साइड, तो क्या होगा, अल्फा फॉर्म,
तो यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन है या यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड एच कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ देगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड ओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड एच, बाकी सब सेम है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा प्लस माइनस न्यूट्रल और एच क्या हो जाएगा, निकल जाएगा माइनस एच प्लस। तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी ओ एच एच, सी एच ओ एच एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच टू ओ एच, ये क्या बन गया, अल्फा फॉर्म बन गया। यह है इसकी मैकेनिज्म। कहने का मतलब ये क्या है, साइक्लिक फॉर्म था और ये क्या, मतलब यह रिंग फॉर्म था और ये क्या हो गया, ओपन चेन हो गया। लोअरी सजेस्टेड दैट म्यूटा रोटेशन कैन बी सीन ड्यू टू आइसोमेराइजेशन ऑफ वन फॉर्म टू अदर फॉर्म थ्रू ओपन चेन फॉर्म इन एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। लोअरी ने सुझाव दिया कि जो म्यूटा रोटेशन है वह देखा जा रहा है क्योंकि उसमें क्या हो जा रहा है, आइसोमेराइजेशन हो जा रहा है एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में थ्रू ओपन चेन के द्वारा फॉर्म इन एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। द फिनोमिनन इज एक्सिबिटेड बाई फ्रक्टोज गैलेक्टोज नॉट बाई सुक्रोज। और यह जो म्यूटा रोटेशन है वह फ्रक्टोज गैलेक्टोज के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, नॉट बाई सुक्रोज, सुक्रोज के द्वारा नहीं, क्योंकि सुक्रोज में म्यूटा रोटेशन नहीं पाया जाता। अगर फ्रक्टोज के अल्फा फॉर्म की बात की जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव अटैच हो जाएंगे तो क्या बनेगा, सी एच टू ओ एच, यहाँ सी के पास क्या आ जाएगा, ओ एच, और यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और सी एच, ये सब ऐसे रिंग लगा हुआ रहेगा तो ये अल्फा फॉर्म बनेगा। और इसका बीटा फॉर्म क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, जो ओ एच इधर है वो कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। ये फ्रक्टोज अल्फा फॉर्म का, ये अल्फा फॉर्म वाला हो गया और ये बीटा फॉर्म हो जाएगा। इतना ही था म्यूटा रोटेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।